वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आई होप स्टूडेंट सब लोग अच्छे होंगे। एज यू नो चैप्टर चल रहा है इनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, क्या करें, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, लेकिन फाइनली आज कोशिश करेंगे कि हम लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाए। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट मैंने आप लोगों को फंगल बायो फर्टिलाइजर्स पढ़ाया था। और फंगल बायो फर्टिलाइजर में जो मेन था वो था माइकोरिजा का। फिर इसको डिस्कवर्ड किया था फ्रैंक 1885 में, एंड ये भी बताया था कि ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक्टोमाइकोरिजे एंड एंडोमाइकोरिजे। तो आज का जो सेशन है हम लोग इन्हीं एक्टोमाइकोरिजे से स्टार्ट करते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड माइसीलियम दैट फॉर्म्स मैंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। मेंटल का मतलब होता है आउटर लेयर। ये करते क्या है कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स पर अपनी इस तरीके से आउटर लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं, लाइक दैट। इस तरीके से आउटर लेयर की क्या कर दी, फॉर्मेशन कर दी। इससे होता क्या है, इसकी वजह से रूट्स का जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, आप सोचिए, पहले रूट्स इतने बीच में थी, तो इतने ही बीच के ही जो वाटर और न्यूट्रिशन है, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, उनको एब्जॉर्ब करती। लेकिन अभी उसके ऊपर क्या है, इस तरीके से पूरी आउटर लेयर आ गई, मेंटल डेवलप हो गई, तो इसका जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है वो तो बढ़ गया ना इतने इतने बीच में से। अब ये ज्यादा से ज्यादा वाटर और न्यूट्रिशन को अपटेक करेगी, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ और यील्ड दोनों इंक्रीज हो जाती है। बाकी के जो हाइफे होते हैं, हाइफे समझते हैं ना, जो फंगस ग्रो होती है, लाइक अ स्टेम वाला पार्ट जो होता है हाइफे, ये हाइफे फंगस के जो रूट्स के सेल्स होते हैं ना, इन रूट्स के मतलब रूट्स के अंदर, जैसे एक सेकेंड, जैसे ये रूट्स हैं, तो रूट्स के अंदर ये हाइफे क्या है, अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं और एक नेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे बोलते हैं हम लोग हैट इज नेट। इसका फंक्शन क्या, एक तरीके से काम क्या होता है कि फंगस जो भी आसपास न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन और वाटर को एब्जॉर्ब करिए, रूट्स तो करते ही करते हैं, रूट्स तो अपने आसपास के एरिया से वाटर और न्यूट्रिशन को ऐड करते ही करते हैं, लेते ही लेते हैं। इसके अलावा फंगस भी एब्जॉर्ब करती है, तो फंगस अपने हाइफे को रूट्स के अंदर एंटर कर लेती है। अब इस हाइफे से क्या होता है कि रूट्स फंगस ने जो भी वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया है वो डायरेक्ट हाइफे के थ्रू रूट तक पहुंचा देती है। ये होती है एक्टोमाइकोरिजे। दूसरी होती है एंडोमाइकोरिजे। ये हमारे जो रूट्स के कॉर्टिकल सेल्स होते हैं उनके बीच में प्रोड्यूस्ड होती है। जैसे सपोज करिए ये कॉर्टिकल सेल्स, तो ये कॉर्टिकल सेल्स के बीच में ये फंगस ग्रो होती है, और इस फंगस के भी जो हाइफे है कॉर्टिकल सेल्स के अंदर क्या है, पेनिट्रेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं, और बहुत सारी फाइनली ब्रांच बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं एब्यूसिकल्स, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल्स के अंदर, राइट। और बहुत सारी वेसिकल्स, वेसिकल्स समझते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गन बन जाते हैं कॉर्टिकल सेल्स के अंदर। अब इसीलिए इसको हम लोग वेसिक्यूलो आर्बिस्क्यूलर माइकोरिजे भी कहते हैं, शॉर्ट में कह सकते हैं VAM। और nowadays they are described as AM fungi. Present timing पर हम इसको बोलते हैं AM fungi. And the plants with AM grow luxuriously in less irrigated land. और जिस plants पर भी AM fungus लगी होती है, तो वो भले ही less irrigated land पर क्यों ना हो, लेकिन grow luxury होंगे, luxury से नसल बड़ी अच्छी quality के, क्योंकि VAM जो fungus होती है वो क्या करती है, लेस प्रोडक्टिव फील्ड को भी मोर प्रोडक्टिव फील्ड में कन्वर्ट कर देती है। एंडो का मतलब क्या, इनसाइड, और एक्टो का मतलब आउटसाइड। डू यू नो है, ये देख लेते हैं। लेकिन पहले के टाइम पर हम लोगों ने सिर्फ दो टाइप के माइकोरिजे पढ़े, एक एक्टो और एक एंडो। प्रेजेंट टाइमिंग पर 8 डिफरेंट टाइप के माइकोरिजे अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं। एक तो एक्टो और एंडो तो है ही है, इसके अलावा एसिटोनो माइकोरिजे, ऑर्चिडस माइकोरिजे, एरिकॉइड माइकोरिजे, आर्बिट्यूडोइड माइकोरिजे, मोनोट्रैकोइड माइकोरिजे एंड ऑफिकोग्लोसाइड माइकोरिजे। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइजर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इसमें आता है हम लोग का राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का होता है, मोटाइल, मूवमेंट करता है, एरोबिक, एरोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ग्राम नेगेटिव है, नॉन स्पोर, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसके अंदर नॉड और निफ जीन की प्रेजेंट होती है, और सिंबायोटिक कॉम्बिनेशन बना के रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, जो ऑलरेडी आप लोगों ने कितनी बार पढ़ा होगा। इसके अलावा नोड्यूल फॉर्मेशन करता है रूट्स के अंदर, और नोड्यूल के अंदर रह के अपने आप को नंबर ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई भी करता है। इसका काम क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना, दैट मीन ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, और प्लांट को एज अ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, क्योंकि प्लांट्स कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को इनहेल नहीं करते हैं, वो हमेशा नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में करते हैं। एग्जाम्पल है आर लेग्यूमिनस फ्रॉम स्पेसिफिक टू पी प्लांट्स एंड आर फेजियोली टू बी प्लांट्स। के बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट अजोटोबैक्टर, ये भी हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट एक बायोफर्टिलाइजर है, फ्री लिविंग है, लेकिन ये हमारा सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन नहीं बनाता, फ्री लिविंग है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, नॉन नोड्यूल फॉर्मेशन, ना ही नोड्यूल की फॉर्मेशन करेगा, बैक्टीरिया है, एंड स्पेशली ग्रासेस और सर्टेन प्लांट्स के साथ रहता है, मतलब सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन ही बनाता है लेकिन उनके पास रहता है। Used as a biofertilizer for all non-leguminous plants, especially rice, cotton, vegetable, etc. और जितने भी हम लोगों के non-leguminous plants होते हैं, like rice, cotton, vegetables, इनके साथ इन as a biofertilizer work करता है। यहाँ पे diagram आपको दिखाई दे रहा है, ये आप लोगों का leguminous plant, ये root nodules वाला। ये देखिए ये इनके root nodules निकले हुए हैं, ये इसकी branched है। ये पूरी रूट है, ये रूट नोड्यूल्स है, बैक्टीरियल कॉलोनीज एंड कॉर्टिकल सेल्स, और यहाँ पर क्या है, देखिए ये कॉर्टिकल सेल्स हैं और इनके अंदर क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज है, दैट मींस राइजोबियम बैक्टीरिया, ये जाइलम एंड फ्लोएम है। अजोलो का देख सकते हैं, अजोलो में यहाँ पर ये प्लांट्स है, यहाँ पर इसका फोटोसिंथेटिक जोन है जहां पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करेगा, यहाँ पर एनामेना बैक्टीरिया, ये पूरी कैविटी स्पेस प्रेजेंट है, ये डॉर्सल लोब है पिछले का हिस्सा, ओके अजोलो लीफ है जिसमें एनाबैक्टीरिया रहता है, ओके नेक्स्ट आ जाते हैं, आपका नेक्स्ट बैक्टीरिया आता है एजोस्प्रिलिया, नेक्स्ट इज एजोस्प्रिलिया, फ्री लिविंग है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ कॉर्न, वीट एंड ज्वार, फ्री लिविंग है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन बना के नहीं रहता, एरोबिक है, दैट मीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, और स्पेशली कौन सी रूट्स के साथ रहता है, कॉर्न, वीट और ज्वार, एंड इट फिक्सेस द कंसीडरेबल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज 20 टू 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से राइजोबियम से भी ज्यादा नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, 20 से 40 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। इन नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स, ये भी नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए है, लाइक सीरियल्स, मेलेट्स, कॉटन, ऑयल सीड एक्सेट्रा। एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए ना, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए सिर्फ एक ही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज राइजोबियम, बाकी के जितने भी है ना बैक्टीरिया, भले ही नाइट्रोजन फिक्सिंग है लेकिन लेग्यूमिनस के लिए नहीं है, वो हमेशा नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ आता है यहाँ पर एनाबेना, इट इज अ जीनस ऑफ मल्टी सेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया दैट एग्जिस्ट एज प्लैंकटन, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का जीनस है, जीनस समझते हैं ना आप लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम में पढ़ा होगा, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, किंगडम, फाइलम, लाइक दैट, तो ये साइनोबैक्टीरिया का मल्टी सेलुलर जीनस है जो कि एज अ प्लैंकटन रहता है, प्लैंकटन इन द सेंस की यहाँ पर प्लैंकटन इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत ही छोटा सा होता है, इट हैज एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन एंड आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद सर्टेन प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है,
सिम्बायोटिक रिलेशन बना के रहता है काफी प्लांट्स के साथ, जैसे कि कोरोलॉइड रूट्स ऑफ साइकस एंड एंथ्रोसेरस थैलस, एंड इट हैज सम स्पेशलाइज्ड एंड कलरलेस सेल्स। इसके अंदर कुछ स्पेशल कलरलेस सेल्स होते हैं जो दैट इज कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, और इसी हेट्रोसिस्ट सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, दैट मीन जो नाइट्रोजन है वो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होती है। के बाद है अजोलो। अजोलो इज ऑल्सो अ फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न। ये फ्री फ्लोटिंग वाटर फर्न है। अजोला प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लोटिंग राइजोम विद स्मॉल ओवरलैपिंग बायलॉट लीव्स एंड रूट्स। पहली बात तो ये वाटर फर्न है फ्री फ्लोटिंग, और इसमें फ्लोटिंग राइजोम है। मैंने बताया था ना कि जो डेवलप प्लांट्स नहीं होते हैं उनके अंदर रूट्स नहीं होती है, राइजोम होते हैं, एकदम पतले पतले से कुछ हेयर से प्रेजेंट होती है जो स्टेम, और इनकी जो लीव्स होती हैं और रूट्स होती हैं एक के ऊपर ओवरलैप करती है। एंड द लीव शोज डॉर्सल एंड वेंट्रल लोब। बायलोब्ड है, बायलोब्ड का मतलब है इसका फ्रंट पार्ट भी होता है और बैक, डॉर्सल मतलब बैक वाला, वेंट्रल मतलब आगे वाला। इन द डॉर्सल लोब एनावेना फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन द एरेन्काइमा। डॉर्सल लोब यानी कि इसके पिछले वाले हिस्से में, बैक साइड वाले हिस्से में जो एनावेना बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट रहता है इन एरेन्काइमा यानी कि पानी में, विच फिक्सेस नाइट्रोजन एंड अजोला कैन बी यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर इन द राइस फील्ड, जो कि एज अ नाइट्रोजन वर्क करता है। इसके अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट से नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, एंड देन इस अजोला प्लांट को हम लोग राइस फील्ड में एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। नाउ इन आवर कंट्री मेनी बायो फर्टिलाइजर्स आर अवेलेबल इन मार्केट टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड दिस पॉल्यूशन। और मार्केट में देखिए गवर्नमेंट भी हम लोग की काफी ट्राई कर रही है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का यूज रिड्यूस करके बायो फर्टिलाइजर की तरफ ज्यादा मूव ऑन करें, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। केमिकल फर्टिलाइजर पे जाएंगे तो उसके इतने बेनिफिट नहीं होते, हार्म ही हार्म होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बायो फर्टिलाइजर के यूज ही यूज हैं, जैसे लो कॉस्ट एंड कैन बी यूज बाय मार्जिनल फार्मर्स। लो कॉस्ट होती है और जिन फार्मर्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है वो भी यूज कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन हजार्ड, कोई पॉल्यूशन नहीं होता। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है। BGAS बायो फर्टिलाइजर सिक्रीट ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। यहाँ पे BGA बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं जो कि सॉइल में ऑर्गेनिक एसिड, प्रोटीन्स, विटामिन्स को सिक्रीट करते हैं एंड देन उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अजोटोबैक्टर सप्लाई नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स इन द सॉइल। जो अजोटोबैक्टर बैक्टीरिया था वो सॉइल को नाइट्रोजन भी प्रेजेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और सॉइल को एंटीबायोटिक भी कर रहा है। बायो फर्टिलाइजर इंक्रीजेस फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक टेक्सचर। इसके अलावा बायो फर्टिलाइजर सॉइल की जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज हैं लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर, पीएच, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक मैटर, इनको भी क्या करता है वो इंक्रीज करता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें हम उसके कंपैरिजन में तो क्या करेगा जो हम लोगों का केमिकल फर्टिलाइजर है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो सॉइल है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है एक बार तो इंक्रीज कर देगा। एक बार हम लोगों ने उसमें कोई क्रॉप करी उसके बाद सॉइल खराब, इनफर्टाइल हो जाएगी, हो सकता है एसिडिक भी हो जाए, टेक्सचर खराब हो जाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बचता नहीं है कुछ भी, पॉल्यूशन अलग होता है, महंगे अलग आते हैं, तो बताइए नुकसान ही नुकसान है, फायदा कहाँ है इन लोगों का, राइट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा था ना आज फाइनली मैं ये चैप्टर फिनिश करके ही रहूंगी, और फाइनली मैंने ये आपका चैप्टर आज फिनिश कर ही दिया। बस थोड़े से टॉपिक बचे हुए थे जो हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिए हैं। स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये चैप्टर बड़ा ही ईजी सा चैप्टर था, कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं था ये। अगर बस आपको जो याद करना है वो याद करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस के नाम, और ये याद हो गए तो अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ बनाना, पॉइंट्स, समरी लिखना बहुत इजी हो जाएगा, और बाकी का रिवाइज तो करते ही रहिए क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होता है। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन इज मस्ट।
ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपका बस एक सेशन बचा हुआ है इस चैप्टर का, वो है आप लोगों का क्वेश्चन डिस्कशन सेशन। तो उसको हम लोग खत्म एक रख लेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन सेशन वाला देखते हैं एक एक बार में खत्म होता है दो बार में, उसके बाद फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एंड देन न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने की जल्द ही कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का जल्द से जल्द बोर्ड एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करवा सके। वैसे तो जहां तक हो जाना चाहिए सिलेबस, अगर नहीं भी हो पाता है एक तो चैप्टर बच भी जाता है तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करेगा उसकी। वैसे भी फिर तो हम कोशिश करेंगे, वैसे हम लोगों की तो 90% चांस है कि आप लोगों का हो जाए। ओके, बाकी का रिवाइज करते रहिए अपने पिछले चैप्टर का भी और आगे वाले चैप्टर का भी जो हम करवा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरे सेशन में मिलेंगे जल्दी इसके क्वेश्चन डिस्कशन वाले में। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, डाउट ही होगा, कोई है तो बता सकते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।